हेलो डियर लर्नर्स, आई एम योर टीचर एंड फ्रेंड शशिपाल शर्मा, और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में पंचुएशन मार्क्स के बारे में। प्यारे बच्चों, पंचुएशन मार्क्स हमारी राइटिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप सही पंचुएशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे, तभी जो रीडर है वो आपके सेंटेंसेस का सही मीनिंग समझ पाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे चार पंचुएशन मार्क्स के बारे में। फर्स्ट है द कैपिटल लेटर्स, द फुल स्टॉप, द क्वेश्चन मार्क एंड द कॉमा। तो सबसे पहला जो है वो है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आप सभी जानते हैं, आपने पढ़े हैं, तो हम जानेंगे रूल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो पहला है बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में हम लिखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। द बॉय इज प्लेइंग, शी इज अ गुड गर्ल, वी आर रीडिंग। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट लेटर है ऑफ द सेंटेंस वो क्या है, कैपिटल है। तो आप जब भी सेंटेंसेस कोई भी लिखते हैं, आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना। इसके बाद है प्रॉपर नाउन्स, जिसे आप हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही इज राम, दिस इज द होली गंगा, आई लव माई इंडिया, सी लिव्स एट सोलन। तो राम के लिए हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज किया है, गंगा के लिए जी कैपिटल यूज किया है, इंडिया के लिए आई और सोलन के लिए एस कैपिटल यूज। उसके बाद है आई एज अ सिंगल वर्ड। आई जहां भी आप एक इंडिपेंडेंट वर्ड के रूप में लिखेंगे, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, राम एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। आप हमेशा आई को कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। उसके बाद थर्ड रूल है टाइटल्स के लिए। जैसे आप लिखते हैं मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, श्री, डॉक्टर, मास्टर, सर, मैडम, आप किसी लेसन का नाम लिखते हैं द आइसक्रीम मैन, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, तो आप हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑफ पर्सन्स आप ऑलरेडी जान चुके हैं। नेम ऑफ डेज आप लिखते हैं मंडे, संडे। नेम ऑफ मंथ्स फेब्रवरी, मार्च। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स इंग्लिश, साइंस। नेम ऑफ कंट्रीज इंडिया, जापान, दिल्ली आप लिखेंगे, तो आप हमेशा उनको कैपिटल से शुरू करेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, जो भी फेमस चीजें हैं उनको आप कैपिटल से ही उनका नाम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप सभी जानते हैं। फुल स्टॉप को हम हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह भी बोलते हैं, मतलब आपको रुकना है। फुल स्टॉप मीन्स स्टॉप। ओके, तो फुल स्टॉप को आप पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर पंक्चुएशन मार्क्स, बिकॉज यू सिंपली कैन नॉट राइट इवन अ सिंगल सेंटेंस विदाउट इट, क्योंकि हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगता है। हिंदी में हम इसे पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं, और ये बिल्कुल एक स्टिक की तरह होता है या कैपिटल आई की तरह होता है। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग आप करते हैं एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस में। जैसे ही इज मोहन, आई रीड इन फिफ्थ क्लास, वह मोहन है, आपने एंड में जो कैपिटल आई की तरह जो है इसे हम हिंदी में इस तरह से लगाते हैं, मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता हूं। उसके बाद है फुल स्टॉप कब यूज आप एब्रीविएशंस में करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए आप एचपी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी लिखते हैं, एसडीएम के लिए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को आप लिखते हैं एसडीएम, तो उसके में भी आप एस फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, एम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह आप अपने स्कूल का नाम जीपीएस, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को आप शॉर्ट में जब लिखना होता है तो जी डॉट पी डॉट एस लिखते हैं। उसी तरह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को GSSS लिख आप लोग लिखते हैं। उसी तरह गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के लिए आप GMS लिखते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कॉमा के बारे में। अ कॉमा इज ऑफन यूज टू सेपरेट थिंग्स एंड आइडियाज इन अ सेंटेंस, इट इज अ सॉफ्ट पॉज। इसको हम अर्ध विराम, मतलब आपको थोड़ा रुकना है,
ये किस लिए हम यूज करते हैं? चीजों को सेपरेट करने के लिए, आइडियाज को सेपरेट करने के लिए एक सेंटेंस में। जैसे आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ही प्लेज बैडमिंटन, खो खो एंड कबड्डी। तो बैडमिंटन और खो खो को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज कर रहे हैं। आई लाइक बनाना कॉमा मैंगो एंड वाटरमेलन। तो यहाँ पे भी आप कुछ चीजों को सेपरेट करने के लिए जो है यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मॉम आई एम सो हंग्री, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो यहाँ एक सॉफ्ट पॉज को दिखाने के लिए आप कॉमा का यूज कर रहे हैं। आज का हमारा लास्ट और फोर्थ पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क, जिसे आप भली भांति परिचित हैं। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जो भी प्रश्न के रूप में कोई सेंटेंस होगा, उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर नेम। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रश्न पूछें, तो उसके एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करें। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इन पंक्चुएशन मार्क्स को आप जरूर समझ पाए होंगे और आप इनका सही प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। पंक्चुएशन मार्क्स पार्ट टू वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पंक्चुएशन मार्क्स पार्ट टू के नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।